कबीरदास जी कहते हैं, हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका मन भी शीतल हो जाए। कहते हैं, दूसरों में सदा बुराई ढूंढने देखने वाले मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होते। अतः हमें चाहिए कि हम स्वयं अपने भीतर झांके और अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दी जाए कि गुरु और गोविंद एक साथ खड़े मिलें, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वे ही तो हैं जिन्होंने गोविंद से हमारा परिचय कराया है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे सभी लोग विपदा या दुख की घड़ी में ही भगवान को याद करते हैं और दुख से दूर होते ही भगवान को भूल जाते हैं। यदि सुख के समय भी भगवान को याद किया जाए तो दुख होगा ही नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कर लो और जो आज करना है उसे अभी ही कर लो। अगले ही पल में अगर प्रलय आ जाए तो जीवन का अंत हो जाएगा, फिर जो करना है वो कब करोगे। कुछ हो वे माली से
जी ने इस दोहे में धैर्य की महिमा बताई है। हर कार्य अपनी गति से ही करना चाहिए। जिस प्रकार भले ही माली पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं। उठने वाली आशा और तृष्णा कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए संसार की मोह तृष्णा आदि में नहीं फंसना चाहिए। के बारे में कहते हैं, माटी कुम्हार से कहती है, तू मुझे क्यों रौंद रहा है? एक दिन ऐसा आएगा जब यह तेरा मानव शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। रात गवाई सोए के, दिवस बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामना और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना है, चाहे राजा हो या फकीर। अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांध कर ले जाएंगे। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहां धर्म है, और जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ सर्वनाश, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पेड़ की भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे ना तो यात्रियों को छाया मिलती है, ना फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, अर्थात बड़प्पन से किसी का लाभ नहीं होता। माला फेरत जुग भया, हेरा ना मन का फेर। माला फेरत जुग भया, हेरा माला लेकर तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। कबीर की ऐसे व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो। समान है जो थोड़े ही समय में नष्ट हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सवेरा होने पर प्रकाश के कारण आकाश में तारे छिप जाते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा। यानी लोगों की जिंदगी चलती देखकर कबीर साहब को रोना आता है। जिंदगी और मौत, ये दो पाटों यानी कि चक्की के दो पत्थर के बीच में सभी को पिसकर एक दिन खत्म होना है। जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा ले और निरर्थक को उड़ा दे। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। पाछे दिन पाछे गए, हरी से किया ना हेत। चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। कबीर दास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया, अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। हरी है मैं नहीं,
अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, दीपक देखा माही। कबीर दास जी कहते हैं, जब तक मैं अर्थात अहंकार था तब हरि का साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन हरि के साक्षात्कार से अहंकार खत्म हो गया। जब दीपक रूपी ज्ञान मिला तो अहंकार रूपी अंधियारा खत्म हो गया। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर रूठ जाए तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो दुनिया में कहीं कोई सहारा नहीं है। कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले तो वह सच्चा ज्ञानी होगा। सब धरती का गद करो लेखनी सब मन राय, सब धरती का गद करो लेखनी सब मन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। कबीर दास जी कहते हैं, अगर इस पूरी धरती के बराबर कागज बनाया जाए, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बनाई जाए, सातों समुद्रों के बराबर स्याही बनाई जाए, तो भी गुरु के गुणों को लिखना संभव नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं, साधु से उसकी जाति पूछने के बजाय उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का करिए, म्यान को पड़ा रहने दीजिए। तीर्थ गए से एक फल संत मिले फल चार, तीर्थ गए से एक फल संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार, कबीरा कहे कबीर विचार। कबीर दास जी कहते हैं,
है तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से चार गुना पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी होय कबीरा, जो मन जोगी होय। कबीरदास जी कहते हैं, लोग रोजाना अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है, वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जिन घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नाही। जिन घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नाही। ते घर मर घट जानिए, भूत बसे तिन माही कबीरा, भूत बसे तिन माही। कबीर दास जी कहते हैं, जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती, उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है, जहाँ दिन में भी भूत प्रेत बसते हैं। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम पियाला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश पानी है, उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरदास जी कहते हैं, मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी किसी से भीख मत मांगो। मांगने से भला तो मरना है, यही सद्गुरु की शिक्षा है। हार जले जो लकड़ी, केस जले जो घास। हार जले जो लकड़ी, केस जले जू घास। सब तन जलता देखी करी, भाया कबीर उदास। कबीरा भाया कबीर उदास। कबीरदास जी कहते हैं, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। कबीर तन पंछी भाया, जहां मन तहां उड़ी जाए। कबीर तन पंछी भाया, जहां
जहां मन तहां उड़ी जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा ही फल पाए, कबीरा सो तैसा ही फल पाए। कबीर कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वो वैसा ही फल पाता है। कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, कबीर सो धन संचिए जो आगे को होए, शीस चढ़ाए पोट ली ले जात न दे, जात न देख्या कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे, सर पर धन की गठरी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो पराजय है और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल हमेशा पानी में ही रहती है, पर फिर भी उसे कितना भी धोइए उसकी बदबू नहीं जाती। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर, कबीरा ना कहूँ से बैर। इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी भी ना हो। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, साधु भूखा भाव का धन का भूखा कहते हैं साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु हो ही नहीं सकता। जल
जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं, आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है, आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, एकाकार हो जाती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। ना तो अधिक बोलना अच्छा है ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। कामी क्रोधी इनसे भक्ति न हो, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए कबीरा, जाति वरण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं, कामी क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति कुल अहंकार सबका त्याग कर देता है।